गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू रूट्स ऑफ रेडिशन स्कूल. माई नेम इज़ मंदाकिनी सिंह. स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग यू ऑपोजिट वर्ड. इन चैप्टर फर्स्ट देयर आर आवर एक्सरसाइज. फर्स्ट एक्सरसाइज इज राइट द ऑपोजिट वर्ड्स फॉर द वर्ड्स इन द बॉक्स. एक बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए थे जो आपकी बुक में हैं, उनके ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं. आवर फर्स्ट वर्ड इज ईजी. ईजी यानी आसान, हार्ड कठिन या डिफ़िकल्ट. ईजी डिफ़िकल्ट. ईजी माने आसान और डिफ़िकल्ट माने कठिन. क्लोज CLOSE क्लोज. क्लोज माने कि बंद. OPEN ओपन. ओपन माने खुला हुआ. अर्लियर EARLIER अर्लियर. अर्लियर माने जल्दी. लेट LATE लेट. लेट माने देर. क्राइंग CRYING क्राइंग, रोना. लाफ LAUGH लाफ. लाफ माने हंसना. PLAY प्ले. प्ले माने खेलना. वर्क WORK वर्क. वर्क माने काम करना. यानी कि इजी का ऑपोजिट वर्ड है डिफ़िकल्ट. क्लोज का ऑपोजिट वर्ड है ओपन. अर्लियर का ऑपोजिट वर्ड है लेट. क्राइंग का लाफ. एंड प्ले का वर्क. नेक्स्ट हमारा आता है पार्ट पिक द ऑड वर्ड आउट. कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे समर, ऑरेंज, जूस, आइसक्रीम, जैकेट. तो इनमें से कोई एक वर्ड है जो इनसे जो इन वर्ड्स ये वर्ड्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, लेकिन एक वर्ड ऐसा होगा जो इनसे रिलेटेड नहीं होगा. जैसे समर. समर माने होती है गर्मी. ऑरेंज. ऑरेंज समर में ही आते हैं और खाए भी जाते हैं. गर्मियों में हम जूस भी पीते हैं और आइसक्रीम भी खाते हैं. पर क्या हम लोग गर्मियों में जैकेट पहन के घूमते हैं, ठंड वाली जैकेट मोटी सी? नो ना. तो ये है आपका एक ऑड वर्ड हुआ, तो आप इसको यहाँ लिख देंगे जैकेट. नेक्स्ट हमारा है विंटर, स्वेटर, अम्ब्रेला, हॉट चॉकलेट. अब देखिए सर्दियाँ, विंटर माने ठंड होती है, सर्दियाँ होती हैं. सर्दियों में हम स्वेटर भी पहनते हैं और गरम गरम चॉकलेट भी लेते हैं. बट अम्ब्रेला लेकर तो कोई नहीं घूमता होगा गर्मियों में. अम्ब्रेला तो कब यूज़ किया जाता है? यस, रेनी सीजन में. वेरी गुड. तो यानी कि यहाँ पर क्या है, रेनी सीजन यानी कि अम्ब्रेला. स्प्रिंग स्नो, फ्लावर, ग्रीन लीव्स. अब देखिए स्प्रिंग सीजन जो होता है जब ठंड चली जाती है और गर्मियां शुरू नहीं होती हैं, उसके बीच में ठंड और सर्दी और गर्मी के बीच वाला टाइम होता है जब स्प्रिंग सीजन होता है. भीनी भीनी मीठी मीठी ठंड होती है तो वो स्प्रिंग सीजन कहलाता है. और स्प्रिंग सीजन में फ्लावर्स भी उगते हैं और जब फ्लावर होंगे तो ग्रीन लीव्स भी आएंगी. लेकिन जब ठंड कम होगी तो आइस तो पिघल जाएगी ना, तो फिर क्या चीज़ नहीं होगी? स्नो. नेक्स्ट है हमारा ऑटम, दिवाली, मैंगोस, फॉलिंग लीव्स. ऑटम सीजन में पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और हमारी दिवाली भी उसी सीजन में होती है. लेकिन मैंगोस जो हैं वो आपके इस सीज़न में जो कि अभी चल रहा है, इस सीज़न में आते हैं. अभी तो एक डेढ़ महीना लग जाएगा, अप्रैल मई जून में आपके मैंगोज़ आते हैं. जबकि ऑटम सीज़न जो होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन सीज़न में होता है. तो नवंबर में अक्टूबर नवंबर दिवाली भी होती है. ऑटम में यह पता है कि लीव्स गिर जाती हैं. तो इन चारों में सबसे डिफरेंट कौन सा है? मैंगोज़. तो इसका आंसर क्या होगा? मैंगोज़. ओके स्टूडेंट्स, इन सभी ऑपोजिट वर्ड्स और इन ऑड वर्ड्स को आपको देखना है, लर्न करना है. ओके, और अपनी नोटबुक में लिखना है, इंग्लिश की नोटबुक में. ये सबसे लास्ट है, ये चैप्टर आज फिनिश हो जाता है. ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.